तो आखिर कौन था इंडियन आइडल सीजन 13 का असली विनर? ऋषि सिंह नहीं थे विनर, चिराग या देवोश्मिता थी विनर। क्या है असली सच्चाई, किसे मिले थे सबसे ज्यादा वोट, क्या सोनी टीवी की तरफ से विनर फिक्स तो नहीं था? जानेंगे इस वीडियो में। पहले तो ऋषि सिंह के फैंस, चिराग के फैंस और देवोश्मिता के फैंस को ढेरों बधाई। ऐसे में काफी लोगों का सवाल ये है कि चिराग नंबर 2 पर थे लेकिन देवोश्मिता आखिर में नंबर 2 पर कैसे आई। अब बात यह है कि असली विनर कौन है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि नंबर 1 पर ऋषि सिंह चल रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि नंबर 2 पर चिराग और नंबर 3 पर देवोश्मिता चल रही है। लेकिन वोटिंग खुलते ही देवोश्मिता के फैंस ने ऐसा कमार कर डाला कि वो नंबर 3 से नंबर 2 पर आ गई और चिराग नंबर 3 पर। वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो विनर एकदम सही है, रियल बंदे को विनर बनाया गया है। इसमें कोई फिक्सिंग या चीटिंग नहीं की गई क्योंकि ऋषि सिंह पहले दिन से ही नंबर 1 पर चल रहे थे और उन्हें अकेले कोई 40% वोट मिले थे। ऐसे में विनर एकदम सही बनाया गया, एकदम जेन्युइन विनर बनाया गया है। कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, आपने किसको वोट किया, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब इनके जैसे इंटरनेशनल टूर आने वाले हैं तो मैं आपको उनसे रिलेटेड भी अपडेट देता रहूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।